अक्टूबर से लेकर के 15 सितंबर, 1 मंथ का गैप पड़ गया। अब ये 1 मंथ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। फर्स्टली थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। मैंने आपके लोगों की वोटिंग देखी, आप मेजॉरिटी लोगों ने वोट करा कि यस हमारे को वीडियो चाहिए, कि भाई हमारा जो फाइल लॉज हमने करी है वो करिए नवंबर और दिसंबर में, और अब जैन आने वाला है, आ भी गया जैन, सॉरी। सो हमारा फाइल का डिसीजन अभी तक नहीं आया और क्लास स्टार्ट होने वाली है, सो क्या करें। सो टेंशन मत लो, वीडियो पूरी एंड तक देखना, आप लोगों को मैं सब बताऊंगा कि क्या होगा आप लोगों के साथ अभी और क्या आप एक्शन ले सकते हो उसके अकॉर्डिंग। सो वीडियो पूरी एंड तक देखना, ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहो, आपके लिए और अमेजिंग वीडियोस लेके आऊँगा मैं बहुत जल्द, ठीक है ना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी दोस्त अभी न्यूजीलैंड आने वाले हैं और जो डर रहे हैं कि भाई मेरा इंटरव्यू नहीं आया या मेरा डिसीजन नहीं आया, उन लोगों के साथ वीडियो शेयर करो और उनको बताओ कि भाई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको मेरी फाइल का बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। उससे पहले आपको चीज़ बताता हूँ कि भाई अगर आपका डिसीजन अभी तक नहीं आया ना, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अब आप सुनो कि मेरे साथ क्या हुआ था। मेरी क्लास स्टार्ट होनी थी 14 अगस्त को 2023 में, पिछले साल 14 अगस्त को, ठीक है। मेरे को एम्बेसी का कॉल आया 15 अगस्त को, 15 अगस्त को मेरा इंटरव्यू हुआ। शाम तक मेरे पास कंडीशनल वीज़ा है, जिसको AIP बोलते हैं, एक्सेप्टेंस इन प्रिंसिपल। उसमें कंडीशन थी कि 1 ईयर की फ़ीस पे करो और FTS भरो, और उन्होंने डेट दी मुझे 15 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक की। 10 दिन का उन्होंने टाइम दिया कि 10 दिन में आप ये दोनों चीज़ें पूरी करो। तो 10 दिन में भागा दौड़ी करके दोनों चीज़ें पूरी करी, दोबारा से एम्बेसी को सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करे, ठीक है ना। 25 को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सेप्टेम्बर भी स्टार्ट हो गया, सेप्टेम्बर का फर्स्ट वीक हो गया, मेरा डिसीजन नहीं आया। उसके बाद मैंने क्या करा, एम्बेसी को मेल करी और कॉल किया, जो उनकी बैकएंड टीम होती है, आपके जो AIP होगा ना, उसमें सेकंड पेज में नीचे एम्बेसी के नंबर होते हैं जो बैकएंड टीम होती है उनकी। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उनको कॉल कर सकते हो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि भाई कॉल नहीं करनी है, कुछ भी आपका डाउट है, आप डाउट क्लियर कर रहे हो तो इसमें गलत क्या है। मैंने भी किया था, तो आप भी कर सकते हो अगर आपका कोई जेन्युइन सा डाउट है जो आपका क्लियर डाउट नहीं हो रहा। फिर मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने एम्बेसी को बोला कि भाई आपने 15 से 25 तारीख दी थी डॉक्यूमेंट के लिए, मैंने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड कर दिए, सुबह मेरा डिसीजन दो। सो फिर 8 सितंबर को मेरे पास मेरा वीज़ा आया, तो 13 सितंबर को मैंने टिकट कराई और 15 सितंबर को मैं यहाँ पामस्टर आ गया था। अब 14 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर, 1 मंथ का गैप पड़ गया। अब ये 1 मंथ क्या हुआ, तो क्या हुआ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ कि जब मेरे पास 15 को कंडीशनल वीज़ा आया, तो मैंने अपने कॉलेज को बताया कि भाई मेरे पास कंडीशनल वीज़ा आ गया है, ये कंडीशन है, कंडीशन पूरी करने के बाद मेरे पास वीज़ा आ जाएगा तो मैं फ्लाई कर जाऊंगा, तो इस टाइम के लिए आप मेरे लिए ऑनलाइन क्लास अरेंज करवा दो, क्योंकि यही एक बेस्ट ऑप्शन था। क्योंकि अगर ये ऑप्शन मैं नहीं चूज़ करता ना, तो फिर इसके बाद मेरा डेफर हो जाता और मेरा जैन इनटेक पे बात जाती। चक्कर वो भी कोई नहीं था, बट मैं जैन इनटेक तक बात लटकाना नहीं चाहता था, सिंपल सी बात यह है। तो फिर मैंने कॉलेज को बोला, कॉलेज वाले भी मान गए, उन्होंने ऑनलाइन क्लास का मुझे प्रोविज़न दिया, मैंने वो एक्सेप्ट किया। सो मैंने ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी स्टार्ट कर दी। मेरी क्लास हफ्ते में 2 दिन होती है, तो मेरे लिए ईजी था अटेंड करना। सुबह के टाइम होती है 6:30 बजे से लेकर के आई गेस 10:30 बजे तक क्लास चलती थी दिन में ही। सो ये मेरा टाइमिंग था। सो अगर आपके साथ भी सेम चीज़ हो रही है कि आपने फाइल एम्बेसी में लगा दी है, डिसीजन नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, आपका डिसीजन आ जाएगा। मेरी क्लास 14 अगस्त से स्टार्ट थी, मेरे को 15 अगस्त को जाके एम्बेसी का कॉल आया, 25 को जाकर के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करे, और 8 सितंबर को वीज़ा आया। 1 मंथ पूरा डिले हो गया था मेरा, बट इसके बाद लेक्चरर मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, उनको मैंने बताया अपनी सारी सिचुएशन, तो उन्होंने उसका रिगार्ड करा और मुझे ऑनलाइन क्लास अटेंड करने का प्रोविज़न दिया। सो अगर आपके साथ भी सेम चीज़ हो रही है कि भाई फाइल लॉज करी है नवंबर में, दिसंबर में, और जैन में क्लास स्टार्ट है, फेब में क्लास स्टार्ट है, तो भाई डरने की कोई बात नहीं है। जो कॉलेजेस होते हैं उनके पास एक ऑनलाइन क्लास, बच्चों को ऑनलाइन क्लास अटेंड करवाने का प्रोविज़न होता है, तो वो आप लोगों को भी प्रोवाइड करा देंगे। अगर इन केस कोई कॉलेज आपको मना करता है कि भाई हम ऐसे नहीं करते ऑनलाइन, आपके पास वीज़ा होना चाहिए, या आपको यहाँ पे ऑफ कैंपस ऑन कैंपस होना है, अगर ऐसा आपको कॉलेज बोलता है, तो कोई बात नहीं। अगर आपका वीज़ा डिले होता है तो कोई बात नहीं, वीज़ा तो आपके पास आ ही गया, जैन में नहीं जाके आप अप्रैल मई में जाओगे, उल्टा 4-5 महीने आपको मिलेंगे, घूमो फिरो, फैमिली के साथ टाइम बिताओ, चक्कर कोई भी नहीं है, सिचुएशन एकदम नॉर्मल है, आप पैनिक बिल्कुल भी मत हो। अगर इस इनटेक में बात बन जाएगी तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर नेक्स्ट इनटेक तो है ही हमारे पास, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझे इंस्टा पे ये आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो, मैं आपका मैसेज पढ़ के आपको पक्का रिप्लाई करूँगा इस चीज़ के रिगार्डिंग। सो ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहो, और कोई भी डाउट है अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, सो कमेंट्स पर ड्रॉप कर दो, मैं आपके लिए वीडियो पक्का लेके आऊँगा। थैंक यू।